हाउ आर यू ऑल? आई नो कि काफ़ी सारे जगह पे अभी भी बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है एंड आप सब काफ़ी घर पे हैं, इन्जॉय कर रहे होंगे. खैर, आज जो मैं डिश बना रही हूँ उसका नाम है पुल अपार्ट मसाला पाव. बहुत ही आसान है. सो इट्स वन डिश जो क्विक है बनाना. फॉर ऑल ऑफ यॉल हु डोंट नो मी, मेरा नाम है शेफ नेहा दीपक शाह एंड मुझे खाना बनाना काफ़ी अच्छा लगता है. कई बार मैं अमूल लाइव के सेशंस में आके कुछ ना कुछ खाना बनाती हूँ. हेलो ज्योत्सना जी, हेलो लवली जी, हेलो प्रणव जी, हेलो श्रेया जी, हेलो रूपाली जी, हेलो एवरीवन. चलिए शुरुआत करते हैं. वैसे आज की जो रेसिपी है ये बहुत ही स्पेशल है. गाइस डोंट वरी अबाउट द रेसिपी, जो इसके मेजरमेंट्स है वगैरह हैं ये आपको मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर मिल जाएंगे. जो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है वो है नेहा दीपक शाह. एवरी डे मैं एक रेसिपी डालती हूँ तो उस पर आपको बहुत सारी रेसिपीज मिल सकती है. वैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पाव बनाया है. यू सी दिस पाव इज लाइक सुपर स्पॉन्जी. ओके, इसको बनाना बहुत आसान है. इनफैक्ट इसकी जो रेसिपी है लादी पाव की ये भी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाली हुई है, आप इसको देखकर बना सकते हैं. आज हम एक पुल अपार्ट मसाला पाव बना रहे हैं. ये मुंबई का जो मसाला पाव होता है, पाव भाजी होता है, उससे इंस्पायर्ड डिश है एंड आई होप आप सभी को पसंद आएगी. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले जो इसका मसाला है वो बनाएंगे हम. सो आप सब वैसे हैं कैसे? सब हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? सब बढ़िया चल रहा है? ओके, मैं अपना कैमरा बस फ्लिप कर रही हूँ गाइस. ओके, सो आई होप यू कैन सी इट. ओके, अमेजिंग. ओके, आई एम सो ग्लैड रूपाली जी कि आप रेसिपीज फॉलो कर रही हैं और पसंद भी कर रही हैं रेसिपीज. सो सबसे पहले मैंने यहाँ एक तवा लिया है. तवे के अंदर बेसिकली फ्राई पैन है. थैंक यू आसिमा जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है अभी? ओके, सो ये रहा. सबसे पहले मैं पैन में बटर डालूंगी. इसके मेजरमेंट्स की आप टेंशन ना लें. ये रेसिपी मैं इंस्टाग्राम पे भी डालूंगी और यहाँ पे भी डालूंगी फेसबुक पे. सो आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी. सो ये रहा. सबसे पहले बटर आप पैन में ले और बटर को मेल्ट करें. ऑब्वियसली ये अमूल बटर है बिकॉज बॉम्बे में अगर आप देखेंगे तो जितने भी पाव भाजी वाले हैं या फिर जितने भी यू नो स्ट्रीट फूड वाले हैं वो हैंड्स डाउन सिर्फ अमूल बटर ही यूज करते हैं. सो थैंक यू एवरीवन. मेरा जो इंस्टाग्राम का हैंडल है शिराज जी वो है नेहा NEHA दीपक DEEPAK शाह SHAH नेहा दीपक शाह मेरा हैंडल है. सो ये रहा. मोहित जी ने वैसे डाला भी है सब. इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, हल्का सा जीरा डाल रहे हैं. वैसे बहुत ही झटपट डिश है ये, इसको बनाना बहुत आसान है. थैंक यू श्रेया जी. इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा कटा हुआ प्याज और लहसुन. सो ये रहा लहसुन प्याज, दोनों डाल रही हूँ मैं. वैसे अगर आपके पास क्या बोलते हैं बची हुई पाव भाजी है तो आप उससे भी बना सकते हैं. मैंने कैमरा थोड़ा दूर कर लिया है ताकि आप अच्छे से क्लियरली देख पाएं. बटर करीबन 2 बड़े चम्मच डाले हैं मैंने इसके अंदर. गाइस जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, ऑल ऑफ अस वी आर मेकिंग पुल अपार्ट मसाला पाव. यहाँ पे मैंने पाव बनाया है, काफ़ी सॉफ्ट पाव है ये, आप देख सकते हैं. और ये जो लादी पाव है इसकी पाव बनाने की रेसिपी मेरे इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी है तो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी. सो ये रहा.
सो ये सीख गया है कमेंट्स पढ़ के जो सो मैंने इसके अंदर प्याज और लहसुन डाल लिया है। इसके अंदर नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा अदरक और ये रही हरी मिर्ची। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च। ये इसमें मैं डाल रही हूँ लाल शिमला मिर्च, वैसे आप इसमें हरी वाली शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। मुझे लाल वाली काफी पसंद है, मेरे घर में वो ही थी इसलिए। इसे अच्छे से आप पका लें। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले। तो ये मेरे पास है यहाँ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, ये पाव भाजी मसाला है। पाव भाजी मसाला की भी रेसिपी मैंने इंस्टाग्राम पे डाली हुई है। और ये रहा कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। सो ये सारे मसाले हमारे प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च के मिक्सचर में डाल दिए हैं। इसे बस आप आधी मिनट तक भूनें। बहुत ज़्यादा मक्खन नहीं लिया है मैंने, लेकिन अगर आपको ज़्यादा बटरी पसंद है तो आप ले सकते हैं थोड़ा ज़्यादा मक्खन। इसे अच्छे से भूनना है। फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, हम बना रहे हैं पुल अपार्ट मसाला पाव गाइस। बहुत ही आसान डिश है, साथ ही साथ सुपर टेस्टी। नेक्स्ट मैंने इसमें डाला है टमाटर। ये बेसिकली मैंने ग्रेट किया हुआ टमाटर डाला है, यानी कि कद्दूकस किया हुआ टमाटर। तुलिका जी, इसकी जो मेजरमेंट है आपको मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे मिल जाएगी, मैं यहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में डालूंगी। लेकिन अभी आप इसका जो प्रोसीजर है इस पे ध्यान दे दें सिर्फ। अमूल अनसॉल्टेड बटर का जो पैकेट है वो हरा रंग का होता है, इट्स अ ग्रीन कलर का पैकेट। नेक्स्ट इसके अंदर डाल रहे हैं थोड़ा सा ग्रीन पीस। बेसिकली एक क्विक सी पाव भाजी बना रहे हैं हम। और ये रहा उबले हुए आलू, थोड़ा सा टमेटो पेस्ट भी डालूंगी मैं इसके अंदर। सो ये रहा टमेटो पेस्ट। फॉर ऑल ऑफ यू आई जस्ट वांट टू से कि हमने यहाँ पे फ्रेश पाव बनाया है। यू कैन सी ये जो पाव है कितना सॉफ्ट बना है, और इसको बनाना घर में बहुत आसान है। ऑब्वियसली ये जो रेसिपी है ये यीस्ट वाली रेसिपी है, एंड अगर आपके पास यीस्ट है तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। मीता जी, ब्रेड की जो रेसिपी है वो ऑलरेडी है इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ पे चेक कर सकती हैं। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट है वो है नमक। नमक के बिना खाना इज बेस्वादी, सो नमक डालना ना भूलें खाने में। मैंने अपना अवन को प्री हीट कर लिया है, वैसे अगर आप चाहें तो ये गैस पे भी बना सकते हैं आप। सो ये हो गया है मसाला बिल्कुल तैयार। हेलो शशि जी, शशि जी हमने कुछ खास ज़्यादा किया नहीं है। यहाँ पे पैन में प्याज टमाटर हरी मिर्च लहसुन अदरक सब कुछ सारे ड्राई मसालों के साथ भून के एक क्विक सी पाव भाजी बना ली है हमने। तो ये हो गई पाव भाजी तैयार। अब पाव भाजी के अंदर अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज धनिया। फ्रेश धनिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इट टेस्ट नाइस, एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देता है डिश को। सो ये हो गया है तैयार। मैं ये रेसिपी का रीकैप आपको बहुत जल्दी दूंगी, एक बार हम इसे बेकिंग में डाल देते हैं फिर आपको एक झटपट सा रीकैप दे दूंगी। दिस लुक्स गुड। अब गैस कर लेते हैं बंद एंड इसे हम हटा लेते हैं। सो ये रहा मेरा चॉपिंग बोर्ड। अब हम लेंगे पाव। सो ये घर के पाव है। अगर आप चाहें तो नॉर्मल ब्रेड भी ले सकते हैं।
रूपाली जी आपको कुकीज जरूर बताऊंगी मैं। इसको मैं कट कर रही हूँ, बिल्कुल नीचे तक कट नहीं करना है, इसे हमें ऊपर ऊपर से ही कट करना है ताकि इसके अंदर हम भाजी भरें, लेकिन अगर नीचे तक कट करेंगे तो इसके बिल्कुल पीसेस हो जाएंगे, तो नीचे तक कट ना करें आप। ये बहुत ही अच्छे से मैंने कट कर लिया है, इसलिए चार चार टुकड़े किए हैं इसके। यहाँ पे मैं एक बेकिंग डिश ले रही हूँ, ये आप इसमें ऐसे डाल दें। अब ये जो हमने भाजी बनाई है यहाँ पे, यस, इसे हम इसमें बीच में जहाँ हमने ये कट्स किए हैं इसके बीच में भरेंगे। वैसे ये बहुत ही अमेजिंग सा स्टार्टर है, अगर आपके घर पे पार्टी है आप बहुत ही आसानी से इसे बना के पहले से रख सकते हैं। एंड इनफैक्ट अगर आप गेम्स नाइट, जैसे रात को ताश खेल रहे हैं या फिर सब मिलकर गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, तो उसके लिए भी ये परफेक्ट है। सो इसके अंदर यूं आप डाल लें, भर लें अच्छे से। अच्छे से भरना है, ऐसा ना लगे कि कम कम है। अब जो यहाँ के भी बीच के गैप्स है इसमें भी भर लें। यहाँ परफेक्ट, बिल्कुल इस अच्छे से भरना है। वैसे पुल अपार्ट ब्रेड इन जनरल काफी ट्रेंडी मानी जाती है, अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाएंगे तो एक मक्खन बनाते हैं वो हर्ब गार्लिक और चीज वगैरह सब मिलाकर, और उसके इसको इसको इसके अंदर भर देते हैं। आप वो भी कर सकते हैं। अब इसे और भी डिलीशियस बनाने के लिए हम यूज करेंगे चीज। ये जो हमारी प्रोसेस चीज होती है वो है ये। इट्स वेरी इजी गाइस, मतलब अगर आपके घर पे ताश पार्टी है या सब कजन्स मिल रहे हैं या दोस्त मिल रहे हैं, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन मेक। आप पहले से बना के इसे रेडी करके रख लें और जैसे ही घर पे गेस्ट आए इसे आप बेकिंग में डाल दें, या फिर अगर आपको ये बेक नहीं करना है आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज आप एक एक पाव के बीच में थोड़ी सी भाजी भर के उसमें बीच में थोड़ा सा चीज डाल के आप वैसे भी सर्व कर सकते हैं, जस्ट इन केस आपको अवन में बेक ना करना हो तो। बट आई जस्ट लाइक टू बेक इट इन द अवन बिकॉज काम काफी आसान हो जाता है, अवन डज ऑल द मैजिक। इट इज अ सुपर क्विक डिश गाइज, इट्स सुपर डिलिशियस। एंड जैसे ही मैं इसको बेक करने डालूंगी आपको मैं फटाफट रिकैप देने वाली हूँ इस डिश का, एक क्विक रिकैप दूंगी। परफेक्ट, सो ये हो गया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू बी पुटिंग दिस फॉर बेकिंग। आप देखें इसे बेक करने डाल रहे हैं हम। सो ये गया अवन के अंदर, बस 10 मिनट के अंदर ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 200 डिग्री पे मैंने अपना अवन रखा है। सो यस, अब जल्दी से एक रिकैप दे देते हैं गाइस। सो सबसे पहले मैंने एक पैन में थोड़ा सा बटर लिया, बटर के बाद उसमें थोड़ा सा लहसुन डाला, थोड़ा प्याज डाला, अदरक डाला, हरी मिर्ची डाली, देन सारे सूखे मसाले डाले, पाव भाजी मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, दैट्स इट, इतने ही ड्राई मसाले थे। और उसके बाद मैं अच्छे से भून लिया, भूनने के बाद उसमें टमाटर कद्दूकस करके डाला, एंड देन आई पुट सम मटर बिकॉज पाव भाजी में मटर अच्छे लगते हैं। एंड उसके बाद आखिरी इंग्रेडिएंट जो पाव भाजी में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आलू। वैसे आलू ऑप्शनल है, अगर आप चाहें नहीं डालना तो इट्स फाइन, आप आलू के बिना भी बना सकते हैं। झटपट एकदम पाव भाजी बना ली हमने, इट टुक मी लिटरली 5 से 6 मिनट, उसमें भाजी तैयार हो गई। अगर आपके पास लेफ्ट ओवर भाजी है तो आप लेफ्ट ओवर भाजी भी यूज़ कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। पाव लिए, जैसे मैंने आपको कहा पाव हमने घर में बनाए, बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही डिलिशियस से पाव थे। एंड एक बेकिंग डिश ले ली, बेकिंग डिश में चीरे काटने हैं,
यू नो यू कैन जस्ट उस पर थोड़े से चीरे काट के बीच में भाजी भर के उसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ डाल के एंड वी पुट इट फॉर बेकिंग. ओके श्रेया जी, आपने एक अच्छा सवाल पूछा है कि बेकिंग में किस मोड पे करना चाहिए. सो आई नो कि इंडिया में जो ओवन्स होते हैं जैसे बजाज हो गया या फिर व्हाट एल्स मॉर्फी रिचर्ड्स हो गया, इन सब में ना हमें टोस्ट मोड पे करना है. टोस्ट मोड पे आपका ओवन का जो ऊपर का रॉड होता है और नीचे का रॉड होता है दोनों ऑन होता है. सो हमेशा बेकिंग हैज़ टू बी, जैसे केक बना रहे हैं कोई भी चीज़ बना रहे हैं, आई प्रेफर मतलब टोस्ट मोड जिसमें ऊपर और नीचे दोनों के दोनों सिक जाए, यू नो. यस रूपाली जी, ये आप रोटी में भी डालकर कर सकते हैं. इनफैक्ट एक आइडिया है मेरे पास, एक डिश बनती है मेक्सिकन डिश जिसका नाम है कज़ेडियाज. ओके सो कज़ेडियाज बेसिकली जो लेफ्ट ओवर रोटी होती है उसके अंदर आप कोई भी वेजिटेबल की फिलिंग डाल के और उसमें चीज़ डाल के उसका बेसिकली रोटी सैंडविच है ये, यू नो. सो आई थिंक बहुत ही कूल आइडिया है. वैसे भाजी पाव भाजी लाइक रोटी भाजी कज़ेडियाज भी बना सकते हैं. श्रेया जी यस, ओटीजी मॉफी रिचर्ड्स में टोस्ट मोड पे करिए ताकि टॉप एंड बॉटम रॉड दोनों ऑन रहे. एंड या आई मीन वैसे अगर आपको और भी सिंपल रेसिपीज चाहिए यू हैव टू चेक आउट माई इंस्टाग्राम पेज. मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है नेहा दीपक शाह. देर आर सो मैनी रेसिपीज, एवरी डे वन रेसिपी. पूरे लॉकडाउन से 23 मार्च को मैंने रेसिपीज डालना चालू किया था, तब से लेकर एवरी डे आई हैव बीन पोस्टिंग वन रेसिपी. And lots of people have been making it. So it's very very nice. It's good to see all of y'all make it. And अगर आपके पास कोई ideas है cooking related या कोई सवाल है cooking related, so you can always put it in the comment section. And मैं सबके साथ share कर सकती हूँ आपके जो ideas है, so that everyone can know about it. Beater. Asima ji, do you mean double beater? यस श्रेया जी, चिपोटले सॉस वैसे बहुत ईजी होता है, रोस्टेड चिलीज का सॉस होता है, इट्स वेरी वेरी नाइस. बिंजन जी, आई हैव पुट सम ओवन सजेशंस मेरे पेज पे, बट आई हैव बिन यूजिंग अ बजाज एंड एन ऊषा का ओवन फॉर रियली लॉन्ग एंड आई रियली लाइक इट. रूपाली जी, ये बहुत अच्छा है, यू नो कि आप काफ़ी अच्छी कुकिंग करती हैं, आई एम श्योर बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं आप. थैंक यू पूर्णिमा जी. एंड या एक बार चेक करते हैं जो हमारा पुल अपार्ट मसाला पाव है वो कैसे बेक हो रहा है. सो इट्स बेकिंग रियली वेल, एक्चुअली इट्स रेडी, यू नो. सो आई विल शो इट टू यू. यू सी इसकी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है. सो बेसिकली हमें सिर्फ चीज़ ही मेल्ट करनी है इसकी, यू नो. ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी है, वी डोंट वॉन्ट टू ओवर कुक इट बिकॉज भाजी गर्मा गर्म थी, यू नो, एवरी थिंग वॉज लाइक रेडी. सो हमें इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसे मैं फटाफट निकालूंगी एंड आपको दिखाऊंगी इसको गार्निश कैसे करना है गाइज. ओके सो आई एम जस्ट गोना शो इट टू यू ऑल. ओके डोंट गो एनीवेयर. ओके हियर इट इज गाइज. सो आप देखें ये हो गया है बिल्कुल तैयार. अब इसे गार्निश करने के लिए ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ये जो लाल मिर्ची होती है वो और हरी मिर्च है. वैसे आप थोड़ा सा कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं. सो मैं इस पे डालूंगी थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी लाल मिर्च. वैसे मैं नींबू नहीं डालूंगी, यू नो. कई बार जब हम पाव भाजी बाहर से ऑर्डर करते हैं और भाजी के ऊपर कोई नींबू डाल के देता है तो नींबू कड़वा हो जाता है. सो ऑलवेज रिमेंबर, ओके, नॉट टू पुट नींबू ऑन टॉप. गरम गरम खाने के ऊपर एज इट इज नींबू नहीं डालना कभी भी. सो ये अच्छा रंग काफी अच्छा लग रहा है. नेक्स्ट लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे हम और वो है धनिया. So, ये हो गया हमारा धनिया. ओके गाइस, सो ये देखें आप, ये जो हमारा पुल अपार्ट मसाला पाव है ये हो गया है बिल्कुल तैयार. वैसे रूपाली जी आप इसमें ऑलिव्स भी डाल सकती हैं,
आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं बेसिकली. ओके, अगर पाव भाजी नहीं डालनी है तो बटर के अंदर थोड़ा सा लहसुन मिक्स करें, थोड़े से सनड्राइड टमेटोज मिक्स करें, थोड़े से ऑलिव्स मिक्स करें, थोड़ा गार्लिक मिक्स करें, थोड़ा धनिया, ओरिगैनो अगर मसाला हो तो ओरिगैनो मसाला आप डालें, एंड ये सबको मिक्स करके आप बीच में बटर डाल दें. यू नो ब्रेड और बटर दे आर लाइक पति पत्नी. ओके, दे आर लाइक मैरिज मेड इन हेवन. ओके, सो आप बस बटर डाल सकते हैं और ऊपर चीज डाल के इसको बेक कर सकते हैं, एंड दैट विल बी डिलिशियस. वैसे विदोलॉजी एक आइडिया दूँ आपको, कभी आपको अगर झटपट पिज्जा बनाना हो और आपके पास लेफ्ट ओवर भाजी हो, सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग टमेटो सॉस अपने पिज्जा पे, आप इस पे डाल सकते हैं पाव भाजी, एंड इट टेस्ट सो नाइस. जब मतलब पिज्जा के बेस के ऊपर थोड़ी सी भाजी लगा कर, ऊपर चीज लगा कर वेजीज डालते हैं, इट एक्चुअली टेस्ट सुपर डिलिशियस. इनफैक्ट मेरे पास जब पनीर बटर मसाला या फिर पालक पनीर कोई भी ग्रेवी बच जाती है, दैट इज वॉट आई डू. यस श्रेया जी, सी श्रेया जी, हमने जो ये भाजी बनाई है इसके अंदर खूब सारा मक्खन डाला है ऑलरेडी. ओके, इसलिए हमने अंदर और बटर नहीं डाला है. ऑल ऑफ अस यू नो हम इतना वर्कआउट नहीं कर रहे, वी आर ऑल ट्राइंग टू यू नो स्टे फिट, ट्राइंग टू यू नो स्टे लिटिल हेल्दी, इसलिए ट्राइंग टू यू नो कट ऑन बटर. बट यू सी इट इज़ लुकिंग डिलिशियस. मतलब कितना आसान था, मैंने चार पाव लिए, पाव को चीरे मारे, यू नो उसको कट किया, एंड देन उसमें भाजी भर दी, ऊपर चीज़ डाल दिया, मेल्ट कर दिया, एंड इट्स रेडी टू बी सर्व्ड. घर पे पार्टी है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन फैंसी खाना बनाना है, दिस इज़ अ नाइस थिंग टू डू. एक और क्विक आइडिया दूंगी, आप छोटे वाले जो पाव या फिर बन मिलते हैं, जो मिनी बर्गर बन्स, वॉट यू कैन डू इज मिनी बर्गर बन में ऊपर थोड़ा सा छेद कर लें, यू नो एक चम्मच से थोड़ा सा स्कूप करके निकाल लें आप, एंड देन उस छेद के अंदर भाजी भर लें. भाजी भरने के बाद आप उसके ऊपर चीज डाल के आप उसको बेक कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो नाइस आइडिया. इससे क्या होगा, लोगों को ऐसे अगर साथ में मिलके नहीं खाना है, सो दे कैन ऑल टेक देयर इंडिविजुअल पीसेस. आई होप यू गाइज इंजॉयड वॉचिंग दिस. इसकी रेसिपी, इसकी एग्जैक्ट रेसिपी, यू नो वर्ड टू वर्ड सब कुछ कल मैं डालूंगी अपने इंस्टाग्राम पे. मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है नेहा दीपक शाह. ओके, सो ऑल ऑफ यू ऑल you should check out my Instagram page, because there are lots and lots and lots and lots of delicious recipes on it. In fact, the good thing is that, you know, Amul has been doing these live sessions. They're amazing. Duniya bhar se itne sare chefs, you know, have been coming here, sharing so many recipes with you all. And I hope you guys have not been going out. Thoda dhyan rakh rahe hain apna. And stay healthy, guys. And yeah. It's the weekend, so have fun. Have lots and lots of fun. And thank you, Mayuri. I'm so glad that you've been trying a lot of my recipes. It means a lot to me. And happy cooking. I'll see you guys very, very soon with another interesting recipe. So take care. Rachna ji, I don't have a YouTube page as of now. You know, but it's an Instagram page. Uspe videos hain. यू नो रेसिपीज मैं वीडियोज़ ही शूट करती हूँ, सो काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, आप उस पर देख सकती हैं. इंस्टाग्राम इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, यू नो काफ़ी लोग रेसिपीज पोस्ट करते हैं, इट्स क्वाइट नाइस, आई लाइक इट. सो येस श्रेया जी, आई विल बी बैक ऑन अमूल लाइव वेरी वेरी सून. एंड सुनीता जी, जो मेरा इंस्टाग्राम एड्रेस है या इंस्टाग्राम हैंडल है वो है नेहा दीपक शाह, मेरे नाम से ही है. सो FB पेज भी है, मेरे नाम से ही है रचना जी, इट्स नेहा दीपक शाह के नाम से. दीप जी, यस आई एम फाइन. सुनीता जी, इट्स नेहा NEHA दीपक DEEPAK शाह SHAH. ओके गाइज, आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट.